नमस्कार दोस्तों, द एम यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य आज आपके सामने लेकर आया हूँ ये वाईफाई स्मार्ट नेट कैमरा। जी हाँ दोस्तों, ये है इसकी ब्रांड जो है, ये है V380। ये जो ब्रांड नेम है इसका, इस ब्रांड नेम से आपको इंटरनेट पर, फ्लिपकार्ट पर या फिर अमेज़न पर इस ब्रांड से हो सब में भी मिल जाए। हमने ये ऑफलाइन मार्केट से परचेज़ किया हुआ है। आपको इसे मिलते जुलते ब्रांड के कई सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मार्केट पर मिल जाएंगे। ये दोस्तों एक सीसी वाईफाई स्मार्ट नेट कैमरा है, जो आप एक सिंगल कैमरा सेटअप है। इसको आप अपने घर के लिए यूज़ में ला सकते हैं, या कहीं आपका सिंगल स्पेस कोई भी है, जैसे बालकनी हुआ या कोई सिंगल रूम हुआ या कोई हॉल हुआ है, तो ये 360 डिग्री एंगल का एक कैमरा है। तो 360 डिग्री एंगल को कवर करता है। और एक अगर सिंगल कैमरा सेटअप आप कोई देख रहे हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ये एक एलईडी बल्ब बेस CCTV कैमरा है, जो वाईफाई आपके मोबाइल से ऑटोमेटिक कनेक्ट होके चल जाता है। तो दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हुए चलिए हम इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और ये कैसे काम करेगा। इसका मेथड हम जानने के लिए सबसे पहले देखिए, जैसे कि लिखा है, इजी टू अचीव रियल टाइम रिमोट व्यूइंग। वाकई इसका जो रियल टाइम मोड जो व्यू है, ये इस कैमरे से आप बाहर का, अंदर अपने मोबाइल पे बैठ के देख सकते हैं। एक रेंज में ये एक जो कम इसके अंदर जो LED बेस कैमरा CCTV कैमरा है, वो आप अगर बालकनी पे बाहर लगा देते हैं तो यह कुछ मीटर की रेंज में ये एक अपना हॉटस्पॉट बनाता है, हॉटस्पॉट नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क बनाता है। वो आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक कनेक्ट होने के बाद जब भी आप स्कैन करेंगे इसके कोड QR कोड को, तभी ये आपके ऐप से, मोबाइल ऐप से कनेक्ट हो जाता है और आप उसको रियल टाइम व्यू देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है या किसी वाईफाई की ज़रूरत नहीं, ये खुद का अपना वाईफाई बनाएगा और आपके मोबाइल से कनेक्ट होकर आपके मोबाइल डिवाइस पे आप ऐप, उसके ऐप को ओपन करके आप देख सकेंगे। तो दोस्तों चलिए इसको हम सबसे पहले खोल लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों ये खोलते हैं। सबसे पहले हम इसको खोलते हैं, हम ऑलरेडी इसको पहले खोल चुके हैं, उसकी कोई सुनी है। तो ये कुछ रैपर उसको हटाने के बाद देखिए ये है, ये दोस्तों ये कैमरा है, CCTV कैमरा। ये देखिए QR कोड है, इस QR कोड को हमें अपने मोबाइल ऐप से स्कैन करना होगा, जिससे ये ऑटोमेटिक कनेक्टिंग का अलर्ट देगा और कनेक्ट हो जाएगा आपके मोबाइल ऐप से। इसका मोबाइल ऐप आप एंड्रॉयड या फिर iOS स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, जो भी आप का मोबाइल स्मार्टफोन हो उसके हिसाब से बस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करना है, उसके QR कोड को स्कैन करना है, जिससे ये इसका वाईफाई नेटवर्क आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा और आप उसका रियल टाइम व्यू मोबाइल ऐप पर देख सकेंगे। ये एक होल्डर है, बेसिकली ये होल्डर है जिसको आप जहाँ पे भी LED बल्ब लगाते हैं वहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल उस तरीके का LED होल्डर नहीं है जो सभी जगह फिट हो जाए, इसलिए कंपनी ने इसके साथ एक अपना स्पेशल होल्डर भी दिया हुआ है। देखिए ये होल्डर है दोस्तों, इस होल्डर में देखिए ये वायर लगी हुई है, दो वायर लगी हुई है। इस वायर को आप चाहें तो जहाँ पे आपका ऑलरेडी होल्डर लगा हुआ पहले से उसको निकाल सकते हैं और इसको वहाँ पे लगा सकते हैं। इसको वहाँ पे लगा देंगे तो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, या फिर आप ऐसे दीवार में शिफ्ट कर सकते हो, जैसे आपका वहाँ पे कंफर्टेबल जगह हो उस हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये यहाँ पे चूड़ी, यहाँ पे ये घुमावदार चूड़ियाँ हैं जिससे आप इसको घुमा के ऐसे फिट कर सकते हैं, ये फिट हो जाएगा कैमरा। और ये आप इससे इस जो भी है कैमरा, इसका व्यू आप इस कैप्चर कर पाएंगे। ये आपका लेंस है, अच्छा क्वालिटी, अच्छा है, HD क्वालिटी का है और अच्छा स्कैन करता है और थोड़ा इसका रेंज भी ठीक ठाक है। और एक इसके साथ ये पिन है, पिन इस पर्पज़ से दी गई हुई है क्योंकि इसमें एक रीसेट, अगर कैमरे की सेटिंग को आपने ऐप से कंट्रोल करके, मतलब इस कैमरे का जो भी स्कैन होने के बाद ऐप पर आएगा तो ये सारी सेटिंग्स आपको ऐप में मिल जाएंगी। वहाँ से आप इस LED बल्ब, जो ये इधर बल्ब लगा हुआ है, LED बल्ब ऑन होता है, उसको ऑन ऑफ भी कर सकेंगे, इसका ऑडियो भी वहाँ पर सुन सकेंगे, आप ऑडियो भी ऑन ऑफ कर सकेंगे। तो ऑडियो कंट्रोल और इसका लाइट कंट्रोल आपको एंड्रॉयड ऐप या भी जो iOS ऐप इंस्टॉल करेंगे उसमें आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली इसे कंट्रोल कर पाएंगे। ये बेसिकली ये जो स्टिक है, स्टिक दी गई हुई है यहाँ पर, एक
जो दोस्तों ये रीसेट का ऑप्शन बना हुआ है, ये रीसेट का एक है, तो इसमें रीसेट ऐसा ऐसे इसको लगा देंगे, उसको ऐसे प्रेस कर देंगे तो ये कैम जो है और जो भी सेटिंग्स हैं वो डिफ़ॉल्ट में सेटिंग में रीसेट हो जाएगा। इसका रियल टाइम व्यू हम देखते हैं, इसका कैसा व्यू आता है। इसको हम अब पावर से कनेक्ट करेंगे, पावर से कनेक्ट करने के बाद हम इसे बालकनी पे या अपने बाहर के एरिया में इसको चेक करेंगे, उसका व्यू हम आपको दिखाते हैं कैसा है। इसका व्यू दिखाने से पहले ज़रा हम देख लें इसके क्या क्वालिटी, क्या फीचर्स हैं जो इसमें लिखा हुआ है। जैसे कि इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम जो जो ऐप का आता है वो भी आपको इस पर लिखा हुआ मिल जाएगा, इसके साथ में मैनुअल भी आपको। चलिए इसकी हम कुछ खूबियाँ देख लेते हैं। ये फुल HD कैमरा है, फुल HD कैमरा लिखा हुआ है, 1080 पिक्सल हाइट में बनाता है, वो 1920 वाइड में बनाएगा वीडियो। तो ये है किसका कैप्चरिंग, HD स्मार्ट है, और आप इस iOS एंड्रॉयड आईपैड और कंप्यूटर पर एक्सेस कर सकते हैं इसको। इसकी ऑडियो रिकॉर्ड अगर ऑन रखे हैं, ऑडियो ऑन रखे हैं तो ऑडियो भी आपको वहाँ पर सुनाई देगी, है ना। तो और अगर लाइट ऑन रखे हैं तो लाइट भी आप देख पाएंगे, अगर चाहें तो लाइट आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं। हालांकि लाइट के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इसमें लाइट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ऑन एवरेज छोटी सी लाइट मिलेगी, क्योंकि साइड में बस इसके साइड से ही बल्ब लगे हुए हैं। बीच में ये आपका कैमरे का सेटअप है, पीछे ये पूरा होल्डर है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें लाइटिंग नहीं आएगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी लाइटिंग आएगी और कैमरे का ये काम ठीक करता है। 360 रोटेट डिग्री का आपका एंगल जो कवर करता है ये। आप इसमें मेमोरी कार्ड 32 GB या 64 GB का मेमोरी कार्ड आराम से लगा सकते हो। मेमोरी कार्ड का पिन यहाँ पे देखिए, ये स्पेस है, यहाँ पे मेमोरी कार्ड लग जाएगा, और ऑटोमेटिक अगर आप ऐप से कनेक्ट नहीं है, इसको लगा के ऑन करके छोड़ देंगे, तो अब उसके बाद ऐप बंद कर दें, आप कहीं भी चले जाएँ, उसका डेटा इसमें मेमोरी कार्ड में सेव होता रहेगा। उसके बाद आके आप मेमोरी कार्ड निकाल के मोबाइल पे लाइव, फिर मोबाइल पे आप उसे व्यू कर सकते हैं। तो ये इस पर्पज़ से, सिंगल कैमरा सेटअप के पर्पज़ से ये एक ठीक कैमरा, ठीक ठाक कैमरा है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कुछ जिससे मिलते जुलते कुछ ब्रांड के कैमरे अगर ठीक ठाक मिलते हैं तो हम अमेज़न या फ्लिपकार्ट के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख ले सकते हैं। अब हम इसका लाइव प्रीव्यू करके आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, आप इसका लाइव प्रीव्यू देखिए स्क्रीन पर, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये कैमरा आपके लिए सुटेबल है या नहीं। ये उल्टा हो गया, अब लाइट ऊपर जाएगी, ठीक सीधा हो गया, ऑफ कर दो अपना। देखो तुम्हारी नेट से चल रहा है, अगर ऐसा है तो जो ये कनेक्ट करेगा उससे चलेगा। अरे यार तुम्हारा कनेक्ट है ना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका वाईफाई, तो चार एंगल देखो चारों दिखा रहा है, ठीक है। वाईफाई बंद कर दिया, मैंने सोचा था कि तुम्हारा डेटा चालू हो जाएगा। सर्वर खोलो, चालू है, चालू, ठीक है, सर्वर खोलो। यही एक ये ऊपर का भी दिखा रहा है, एक नीचे का भी दिखा रहा है, तो जो मतलब 360 है ना डिग्री, देखो इसे लगा सीधे ऊपर का भी ऐसे कवर कर रहा है, ऐसे नीचे का भी कवर कर रहा है, देख लिया है। और लाइव रिव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर ये आपको कैमरा पसंद है तो आप दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, हालांकि मैं इसका कोई पेड प्रमोशन या कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा फाइनली, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियोस आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।